नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर डील के बारे में, क्यों जो स्टॉक में जो ट्रेडिंग बंद हो चुकी है और अब जो इसकी फ्यूचर आने वाले टाइम के बारे में क्या स्टोरी है, क्या ये शेयर यहां से रिकवर करेगी या कंपनी यहां पे रिकवर करेगी, जो यहां पे बोलियां लगने वाली थी कंपनी पे वो उसका क्या हुआ और जो है कोई होप है यहां पे बच्चों की नहीं, सारा हम जो है गाइस क्लियर कर देंगे। तो अगर आप लोग चार्ट सेटअप जो है वो इंडिकेट करें, टेक्निकल लेवल किस्मत जो है वो भी इन्वेस्टर्स में है जिन्होंने अगर आप जो अमाउंट ऑफ मनी फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्ट की थी और अब वो बिल्कुल जो है जीरो हो चुकी, तो अब यहाँ पे क्या उम्मीद है सारा हम आपको जो है क्लियर कर देंगे। तो चलिए गाइस स्टॉक का जो है एनालिसिस शुरू करते हैं गाइस और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम डिस्कस करें फ्यूचर रिटेल के बारे में, जो है इस शेयर के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स जो है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी जो है गाइज अब डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि कंपनी ख़त्म हो चुकी है, बैंकक्रप्ट हो चुकी है और जो दिवालिया जहाँ कंपनी का वो घोषित हो चुका है। हमने आपको पहले ही वॉर्न किया था गाइज कि आप लोग जो है फ्यूचर रिटेल से निकलिए और फ्यूचर ग्रुप के किसी भी स्टॉक में निवेश मत कीजिए, क्योंकि कंपनी ने खुद ही जो था NCLT में जो था अपनी इंसॉल्वेंसी के लिए जो था एप्लीकेशन दे दी थी और कहा था कि ये लोग जो है अब अपना डेप्ट रिपे नहीं कर पाएंगे और ये जो है डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं अपने क्रेडिटर्स वगैरह को, ये जो है पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। तो उसी वजह से जो था यहाँ पे आप देख सकते हैं अब स्टॉक में जो है ट्रेडिंग भी नहीं हो रही, ट्रेडिंग सब कुछ बंद हो चुका है और स्टॉक जो है ख़त्म हो चुका है। तो गाइस फ्यूचर रिटेल जो है आपको कोई भी जो है रिटर्न बना के नहीं देगा। आप देख सकते हैं कंपनी की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्शन और कितनी स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें जो है फ्यूचर रिटेल में देखने को मिली। हमने आपको पहले ही फोन किया था कि आप लोग जो है फ्यूचर रिटेल में बाइंग करके मत चलिए, यहाँ पे आपको ऐसा ही एक वीक सेंटीमेंट और एक ऐसा ही एक वीक ट्रेंड और एक ऐसा ही वीक रैली जो है देखने को मिलेगी। तो गाइस फ्यूचर रिटेल जो है अब जो है स्टॉक आपको कोई भी बेनिफिट बना के नहीं देगा, यहाँ पे आपको जो है एक वीक सेंटीमेंट जो है सॉरी यहाँ पे अब आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती हुई दिखेगी और आप लोगों में जो भी कैपिटल है वो यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की थी गाइज वो ज़ीरो हो चुकी है और कोई भी बेनिफिट आपको जो है फ्यूचर रिटेल में अब नहीं है। तो मैं आपको यही राय दूंगा गाइज, रियलिटी ये है, हार्श रियलिटी ये है कि अब आप लोग जो है कोई भी जो है उसको लेके मत चलिएगा कि यहाँ पे आप लोगों का कुछ पैसा वापस होगा, कुछ रिकवरी होगी, कोई भी रिकवरी यहाँ पे नहीं होने वाली। फ्यूचर रिटेल जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और कोई भी तेज़ी यहाँ पे जो है आपको बनती हुई नहीं दिखेगी। तो फ्यूचर रिटेल में आप लोग जो है बाइंग मत कीजिए, कोई भी यहाँ पे आपको खास तेज़ी या कोई भी खास रैली जो है देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्यूचर रिटेल को आप जो है बाइंग मत कीजिए, सॉरी यहाँ पे आप जो है कोई भी उम्मीद लेके मत चलिए, कंपनी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। हमने आपको पहले ही वॉर्न कर दिया था, अब कह रहे हैं कि ये कंपनी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी जो है बेनिफिट नहीं है। तो गाइस